गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव टू डिस्कस अबाउट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नाउ टुडे वी डिस्कस क्वेश्चन बेस्ड ऑन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें हम एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद ए स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग आफ्टर सम टाइम विद ए स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। इन विच डायरेक्शन शुड ए बॉय वेटिंग एट ए बस स्टॉप होल्ड इज अम्ब्रेला। यहाँ पे रेन का जो डायरेक्शन है वो दे दिया है। डायरेक्शन को हम दिखाना हो अगर हमें, तो हम ऐसे दिखा सकते हैं, ये हो जाएगा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। यहाँ पे जो रेन है वो वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल हो रहा है। तो मैग्नीट्यूड भी दिया है 35 और डायरेक्शन भी दिया है, तो यहाँ पे एक वेक्टर हमें मिल जाएगा, वेक्टर वी आर, वेक्टर वी आर, वेलोसिटी ऑफ रेन। नेक्स्ट दिया है विंड स्टार्ट ब्लोइंग आफ्टर सम टाइम विद ए स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। यहाँ पे जो विंड फ्लो हो रहा है वो ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में हो रहा है। यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन गिवन है, तो यहाँ भी हमें एक वेक्टर फाइंड आउट हो जाएगा, वेक्टर वी डब्ल्यू लिख दे रहे हैं इसको, वेलोसिटी ऑफ विंड। ये क्लियर है। अब अगर हमें फाइंड आउट करना है कि किस डायरेक्शन में वो अम्ब्रेला होल्ड करेगा, यहाँ पर हम करेंगे क्या, पैरेललोग्राम लॉ से दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम फर्स्ट क्या, दोनों का क्या करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ में हम दोनों का टेल ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम दोनों का टेल क्या किए, ऐड कर दिए। अब क्या करेंगे, एक पैरेलल लाइन यहाँ इसके हेड से ड्रा करेंगे और एक पैरेलल लाइन इसके हेड से, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिजल्टेंट। यहाँ पे ये सपोज दैट की वेक्टर आ रहा है, ये क्लियर है। अब अगर हम इसका डायरेक्शन, रिजल्टेंट का डायरेक्शन फाइंड आउट कर लें, सपोज दैट की एंगल थीटा है, यही क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ अगर हम टैन थीटा निकाल लें तो टैन थीटा इक्वल टू हो जाएगा वी डब्ल्यू बाई वी आर, वी डब्ल्यू बाई वी आर, और यहाँ से आ जाएगा टैन थीटा इक्वल टू वी डब्ल्यू कितना है, 12/35। या थीटा इक्वल टू हम यहाँ से लिख सकते हैं टैन इनवर्स 12/35। ये क्लियर है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, अगर हम देखें तो रेन क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल हो रहा है, लेकिन ड्यू टू विंड किधर फ्लो हो रहा है, ईस्ट टू वेस्ट। ड्यू टू विंड क्या होगा, ये रेन क्या होगा, थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। ये जो रिजल्टेंट है ये बता रहा है कि ये ड्यू टू विंड रेन क्या होगा, इतना बेंड हो जाएगा, कितना, सपोज दैट थीटा, और ये थीटा हमने फाइंड आउट कर लिया। तो इस डायरेक्शन में अगर वो अम्ब्रेला होल्ड करे तो भीगने से बच सकता है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड इज नोन है यूनिट वेक्टर। इट स्पेसिफाई ओनली डायरेक्शन, इसका हम यूज ओनली डायरेक्शन के लिए करते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कोई भी लेटर हो, ए बी सी एक्स वाई जेड, उसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, कैप। सपोज दैट कि एन को अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो कि यूनिट वेक्टर है, तो इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, कैप। और जनरली वेक्टर के लिए हम क्या करते हैं, एरो लगाते हैं, लेकिन यूनिट वेक्टर के लिए हम क्या लगाएंगे, कैप। ये क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर एन कैप। अब अगर हम देखें यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस ऑफ ए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाई आई कैप, जे कैप एंड ए कैप। इसको हम देख सकते हैं फिगर से, अगर हम एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लें, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होगा, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एक्स एक्सिस के अलावा जो यूनिट वेक्टर होगा वो हम आई कैप से लिखेंगे, वाई एक्सिस के अलावा जो यूनिट वेक्टर होगा हम जे कैप से लिखेंगे, और जेड एक्सिस के अलावा जो यूनिट वेक्टर होगा ए कैप से। ये क्लियर हो गया।
अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें मॉड ऑफ आई कैप मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इक्वल टू हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ जे कैप इक्वल टू मॉड ऑफ ए कैप और ये इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 1, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या है तीनों का सेम है 1 होगा, यूनिट वेक्टर है, ये क्लियर है। अब अगर हम सपोज दैट कि कोई यूनिट वेक्टर है n कैप, इसमें अगर हम किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें सपोज दैट लेमडा, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा वेक्टर में, ये हो जाएगा वेक्टर लेमडा। वेक्टर के लिए क्या होना चाहिए मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड हो गया लेमडा और n कैप क्या हो गया डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है इसके हम क्या लिख सकते हैं वेक्टर लेमडा। यूनिट वेक्टर से मैग्नीट्यूड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ये ओनली क्या शो करता है डायरेक्शन। ऐसे ही अगर सपोज दैट कोई वेक्टर ए हो और इसको हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के फॉर्म में लिखना हो तो हम इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए, सपोज दैट कि इसके अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है वो ए कैप है, या इसी को हम लिख सकते हैं वेक्टर ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड सपोज दैट वेक्टर ए का कितना है ए इंटू ए कैप। यहाँ से अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना हो ए कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा वेक्टर ए अपॉन ए, ये क्लियर है। हम नेक्स्ट हम देखते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, अगर हमें किसी वेक्टर को रिजॉल्व करना हो तो हम कैसे करेंगे। सपोज दैट कि कोई वेक्टर है वेक्टर ए लाइज इन एक्स वाई प्लेन, ये कहाँ लाई कर रहा है एक्स वाई प्लेन में, इस वेक्टर को अगर हमें रिजॉल्व करना हो अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, या हम कह सकते हैं कंपोनेंट फाइंड आउट करना हो अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, हम क्या करेंगे वेक्टर ए के हेड से एक नॉर्मल ड्रा करेंगे और एक नॉर्मल हम वाई एक्सिस पे ड्रा कर देंगे। ये सपोज दैट कि ये वेक्टर ए वन है और ये क्या है वेक्टर ए टू है, ये क्लियर है। अब पैरेललोग्राम लॉ से अगर हम देखें तो यहाँ हम लिख सकते हैं वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए वन प्लस वेक्टर ए टू। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि वेक्टर ए वन जो है वो पैरेलल टू आई कैप है और वेक्टर ए टू पैरेलल टू जे कैप है। यहाँ अगर हम देखें तो ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या होता है यूनिट वेक्टर आई कैप और वाई एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर जे कैप, यहाँ पर वेक्टर ए वन किसके पैरेलल है आई कैप के, तो हम यहाँ हम लिख सकते हैं वेक्टर ए वन इक्वल टू मॉड ऑफ, इसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के फॉर्म में अगर हम लिखें तो मॉड ऑफ वेक्टर ए वन इंटू इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या है आई कैप। अब सपोज दैट कि मॉड ऑफ वेक्टर ए वन क्या है ए एक्स आई कैप हो जाएगा। ऐसे ही हम वेक्टर ए टू को भी लिख सकते हैं वेक्टर ए टू इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए टू जे कैप, या इसको हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए टू सपोज दैट ए वाई है ए वाई जे कैप, ये क्लियर है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें ये मिल गया वेक्टर ए वन इक्वल टू ए एक्स आई कैप और वेक्टर ए टू इक्वल टू ए वाई जे कैप, ये क्लियर है। अब अगर हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना हो ए वन और ए टू का हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम देखते हैं एक फिगर ड्रा करेंगे उसमें हम ओनली मैग्नीट्यूड दिखाएंगे, इसमें हम ओनली मैग्नीट्यूड, यहाँ पर ये वेक्टर ए है इसका मैग्नीट्यूड सपोज दैट ए है और ये क्या है वेक्टर ए वन इसका मैग्नीट्यूड हमने क्या लिया ए एक्स और ये क्या है वेक्टर ए टू इसका मैग्नीट्यूड हमने क्या लिया है ए वाई। अब सपोज दैट कि ये एंगल क्या है थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये क्लियर है। अब ये वाला ट्रायंगल अगर हम ले लें यहाँ पे अगर हम देखें कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा
बेस अपॉन हाइपोटेनियस ए एक्स अपॉन ए, यहाँ से ए एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए कॉस थीटा। ये क्लियर है? ऐसे ही अगर हम ये वाला ट्रायंगल ले लें, यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस ए वाई अपॉन ए, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा। ये क्लियर है? ए एक्स और ए वाई की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया ए और थीटा के टर्म में, मीन्स अगर हमें ए और थीटा फाइंड आउट हो तो ए एक्स और ए वाई हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम देखें, अगर हम दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दें तो हमें क्या फाइंड आउट हो जाएगा, हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन हो जाएगा। यहाँ से ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब अगर हम यहाँ देखें तो अगर हमें थीटा निकालना हो तो टैन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टैन थीटा इक्वल टू अगर हम देखें फिगर से तो हो जाएगा ए वाई बाई ए एक्स, ए वाई बाई ए एक्स, या थीटा इक्वल टू टैन इनवर्स ए वाई बाई ए एक्स। नेक्स्ट है होमवर्क, इसको आप सॉल्व करेंगे, कोई प्रॉब्लम होगा डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।